कि किसी भी समाज की तरक्की, किसी भी वर्ग की तरक्की, किसी भी धर्म की तरक्की नापनी है तो पुरुष के वर्ग को ना नापिए, उस समाज की, उस वर्ग की, उस धर्म की महिलाओं की तरक्की नापिए। महिला जितनी आगे होगी पुरुष वर्ग अपने आप आगे होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस सदी में भी महिला घूंघट प्रथा रखती है, तो मुझे लगता है कि घूंघट पहन ओढ़ने की जरूरत नहीं है। समाज ना पीछे था, अब ना रहेगा, ना हम इनको रहने देंगे, ये हम प्रतिज्ञा इसीलिए लेते हैं कि ये समाज हमारे साथ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, नीतियों से चलेगा, कानूनों से चलेगा, वही चीज बाबा साहब ने प्रूव की। लेकिन आज का दृष्टिकोण का युवा, जिस तरीके से सोशल मीडिया का जमाना है, जिससे बच्चों का अच्छे कपड़े पहनने का जमाना है, जिससे अपने आप को रंग बिरंगे दिखाने का जमाना है, बाबा साहब की सोच कहीं कहीं यहाँ पर वो नहीं थी। आप शिक्षित बनो, उसके साथ में समाज को शिक्षित करो, ऐसा कुछ करो। इसलिए आप जैसा कह रहे थे कि एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को शिक्षा दो, लेकिन मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ, और आज हम बलजीत नगर में। बलजीत नगर में आज अखिल मेघवाल विकास संघ की तरफ से बच्चों के लिए बहुत ही भव्य विशाल कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि बच्चों को मोटिवेट करने का काम किया गया। और मोटिवेट के साथ साथ जो बच्चे उत्तर परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया, आज उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में राजस्थान से चलकर आए इंजीनियर राहुल जी, जो की लगातार काफी सालों से बच्चों को निश्चय देने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि 3000 बच्चों को वो अपने इंस्टीट्यूट में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे, तो उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। राहुल जी, जिस तरह से अपने यहाँ पर बच्चों को मोटिवेट किया, तो क्या लगता है जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं कहीं ना कहीं इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एनबी न्यूज चैनल को धन्यवाद दूंगा, नीलम मैम आपको भी धन्यवाद दूंगा, और दर्शकों को भी धन्यवाद दूंगा कि जिस तरीके से आज अखिल मेघवाल विकास संस्थान के माध्यम से प्रतिभा सम्मान समारोह साथ में बच्चों को मोटिवेशन कार्यक्रम रखा और आज मुझे यहाँ पर एज ए मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया। नो डाउट एक किसान होता है वह भी जीवन में डिमोटिवेट होता है, जब वो बारिश होती है तो वो मोटिवेट होता है। एक अनपढ़ आदमी को मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो पढ़ा लिखा युवा, पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़ी लिखी लड़की हर पग पग पर उसको जब पढ़ाई करती है तो उसको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट मैं आप सभी को बता दूं, सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले दुनिया में कोई भी इंसान कितना भी हताश है लेकिन एक छोटी सी चिनकारी उसके जीवन में मोटिवेशन ला सकती है। नो डाउट इस मोटिवेशन का बच्चों पर इफेक्ट भी पड़ेगा और आने वाले टाइम में बच्चे इस दरी पर बैठकर कसम खा के जाएंगे कि नहीं हम कुछ आएंगे अगली बार, आज हम सम्मानित हुए, अगली बार लोगों को सम्मानित करने आएंगे IAS और RS बनकर। जिस तरह से हम देखते हैं कि डॉक्टर VR अम्बेडकर ने एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया और बहुजन समाज से तमाम साधु संत जितने भी आए, चाहे हम उसमें पेरियार जी की बात करें, सावित्री बाई फुले की बात करें, ज्योतिबा फुले की बात करें, या जिस तरह से संत गाड़गे जी रहे, उन्होंने साफ साफ कहा कि एक रोटी कम खा लेना, फटे कपड़े पहन लेना, टूटे फूटे बर्तनों में खा लेना, लेकिन बच्चों को एजुकेशन जरूर देना। तो आज इस दिशा में समाज आगे तो बढ़ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक सोच है उसको डेवलप नहीं कर पा रहे। बिल्कुल नीलम, मैं सच बहूं तो बाबा साहब का सबसे बड़ा मंत्र था शिक्षित बनो, और शिक्षित का उनका मतलब यही था कि पेबैक टू सोसाइटी, यदि आप कुछ शिक्षित बन जाते हैं, कुछ योद्धे पे चले जाते हैं रिजर्वेशन के माध्यम से आपके टैलेंट से, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया जिससे आज अपन गौरवान्वित होकर शिक्षा ले पा रहे हैं। रही बात जो आपका क्वेश्चन था कि जिस तरीके से बाबा साहब का सपना था, शिक्षित तो बन रहे हैं लेकिन आजकल वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं ये आज लैक ऑफ एजुकेशन की कमी है। मैं मान सकता हूँ कि जो लोग शिक्षित तो हैं लेकिन वो अपने आप का प्रैक्टिकली नज़रिए से अपने जीवन को नहीं देख पा रहे, जैसे बाबा साहब को उस जमाने में पानी पीने का अधिकार नहीं था, आज उस टाइम पे अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, लेकिन कैसे भी कुछ भी किया बाबा साहब ने शिक्षा को फर्स्ट प्रायोरिटी दी और भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान लिखा। उनका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, नीतियों से चलेगा, कानूनों से चलेगा, वही चीज़ बाबा साहब ने प्रूव की। लेकिन आज का दृष्टिकोण का युवा, जिस तरीके से सोशल मीडिया का जमाना है, जिससे बच्चों का अच्छे कपड़े पहनने का जमाना है, जिससे अपने आप को रंग बिरंगे दिखाने का जमाना है, बाबा साहब की सोच कहीं कहीं यहाँ पर वो नहीं थी। आप शिक्षित बनो, उसके साथ में समाज को शिक्षित करो, ऐसा कुछ करो। इसलिए आप जैसा कह रहे थे कि एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को शिक्षा दो, लेकिन मैं चाहूंगा वैसे बच्चे भी बने जो कोई बात नहीं स्मार्टफोन नहीं रखे, अच्छे कपड़े नहीं पहने, लेकिन पापा मम्मी की पूरी जवानी जो हमारे पढ़ाई के लिए लगाते हैं वो मजदूरी करके, उनके साथ कोई मजाक नहीं उड़ाए, ऐसा कुछ काम करके दिखाए। इसी कड़ी में मेरे साथ में राठौर जी भी हैं जो कि इस कार्यक्रम के आयोजककर्ता के साथ साथ में अध्यक्ष है। राठौर जी, जानना चाहूंगी जिस तरह से आज विशाल और भव्य कार्यक्रम का आप लोगों ने आयोजन किया है, तो खाली पर्टिकुलर इसमें मेघवाल समाज के बच्चे थे, अन्य बच्चे भी आए हैं? नहीं, आज ये मेघवाल समाज के बच्चे थे। पहले हमने जो 3 प्रोग्राम करे उसको सिर्फ हम एक बलजीत नगर तक सीमित रखा था, लेकिन आज ये प्रोग्राम हुआ है उसमें टोटल दिल्ली के बच्चों को हमने बुलाया है। एक मेघवाल समाज पर रखना है, उनके बच्चे भी यहाँ पे आए, वो उनके खुद पेरेंट्स आए और पूरी संस्था के लोग आए, तो धीरे धीरे हम एक सीमित एरिया से जाके, क्योंकि एक दिल्ली
एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हर जगह के लोग हैं और हर लोग जगह के लोग हैं, लेकिन हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। तो ये एक बहुत अच्छा एक जरिया है जिसे हम भी ये कह सके कि हम भी मेघवाल समाज है, आप भी मेघवाल समाज हो, आप दूर भले हो लेकिन कभी साल दो साल में एक ऐसा मंच होना चाहिए जिसे सब इकट्ठे होकर अपने समाज को एक दूसरे को जाने पहचाने, बच्चों की प्रतिभा को निखारे हम और एक दूसरे को कंधा से कंधा मिलाकर जब तक हम ही चलेंगे तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। राठौर जी, जिस तरह से हम देखते हैं आज बच्चे एजुकेशन तो ले रहे हैं और एक वैज्ञानिक सोच को भी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार से या समाज से बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती है कि बच्चे गुमराह हो जाते हैं, तो उस चीज से निकालने के लिए संस्था किस तरह से काम कर रही है? देखो, ये चीज वैसे यहाँ तो है नहीं, शहरों का मामला है, यहाँ पे तो बच्चे बहुत होशियार है। यहाँ पे हमें खुद अपने बच्चों के ऊपर, मैंने हमें खुद को पता नहीं होता कि हमारे बच्चे कितने होशियार है, लेकिन जब उनकी एक्टिविटी देखी जाती है तो उनका मनोवैज्ञानिक वास्तव में दिमाग चलता है उनका बिल्कुल, तो हम हमारे सोच से भी ऊपर जाते हैं बिल्कुल। जिस समाज को कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए रोक थी, वो पढ़ नहीं सकता था, अच्छे कपड़े नहीं पहनता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मेघवाल समाज से और तमाम बहुजन समाज से आने वाले बच्चे आज उच्च पदों पर जा रहे हैं, तो जब उच्च पदों पर उन्हें देखते हैं तो किस तरह की अनुभूति होती है? बिल्कुल जी, मैंने बहुत उच्च पदों पर जा रहे हैं, वो एक जमाना था जब हमारे पेरेंट्स को रोका जाता था या कुछ भी उसकी हो सकती थी, लेकिन आज वो जमाना रहे नहीं। आप बच्चे बताइए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप आने वाले समय में मेघवाल समाज ना पीछे था अब ना रहेगा, ना हम उनको रहने देंगे, ये हम प्रतिज्ञा इसीलिए लेते हैं कि ये समाज हमारे साथ में है, ये समाज बड़े स्तर पे साथ आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समाज बिल्कुल जवाब इतना तो शहरों में देखो सब अपने काम करने पे जा रहे हैं, लेकिन आज संडे का दिन है और संडे का दिन ऐसा नहीं है कि सबकी छुट्टी होती है, क्योंकि सरकारी जॉब वाले बहुत कम है यहाँ पे, ज़्यादातर प्राइवेट जॉब वाले ही है, तो अगर वो इतनी संख्या में यहाँ पे छुट्टी करके बच्चों के लिए बैठे हैं तो ये इसी से हमारा हौसला बढ़ता है, तो हमें लग रहा है कि इनके हौसलों के मुताबिक हम समाज को अच्छा संदेश देने जा रहे हैं। राहुल जी, एक बात और जानना चाहूँ, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाते हो और एजुकेशन के साथ आप कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस एजुकेशन भी देने का काम करते हो, तो आज जिस तरह से तमाम वक्ताओं ने खासकर यहाँ पर प्रोफेसर साहब ने एक बात करी, क्योंकि जितनी भी महिलाएं आगे बैठी थी वो घूंघट में बैठी थी, आज 21वीं सदी में होने के बावजूद और खासकर भारत का संविधान जब आपके पास में, तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की रूढ़िवादी परंपराएं इनको तोड़ नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नीलम मैम, जैसे जब तक किसी भी, क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक बात बहुत अच्छी कही थी उस जमाने में कि किसी भी समाज की तरक्की, किसी भी वर्ग की तरक्की, किसी भी धर्म की तरक्की नापनी है तो पुरुष के वर्ग को ना नापिए, उस समाज की, उस वर्ग की, उस धर्म की, महिलाओं की तरक्की नापिए, महिला जितनी आगे होगी पुरुष वर्ग अपने आप आगे होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस सदी में भी महिला घूंघट प्रथा रखती है, तो मुझे लगता है कि घूंघट पहन ओढ़ने की जरूरत नहीं है, यदि घूंघट रखेगी तो आने वाले टाइम में उनकी आने वाली बेटियां क्या उससे संदेश लेगी, इससे बड़ा महिलाओं को आने वाले टाइम में बेटियों को शिक्षित करना चाहिए, आगे बढ़ावा देना चाहिए। और इस तरह की प्रथा यदि है, लाज श्रम हमेशा आंखों में होना चाहिए, घूंघट में कुछ नहीं रखा, मेरा ऐसा मानना है। यदि कोई बहुत सारे लोग घूंघट भी निकालते और मन में दूसरों के लिए गलत संदेश जाता है, इससे बड़े आंखों में शर्म है और सामने घूंघट नहीं निकाल रही तो वो कैपेबल है, वो एक अच्छी महिला देश के लिए अच्छा काम कर पाएगी। बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि जितनी भी महिलाएं चाहे राजनीति में आ रही है, समाज में आ रही है, गवर्नमेंट जॉब पे जा रही है, खुल के समाज में एक स्वतंत्र सोच लेके काम कर रही है, वो कोई भी घूंघट नहीं करती, तो उन महिलाओं को देखकर तो लोगों को अच्छा लगता है, खासकर पुरुषों की बात करूं, लेकिन जब अपने घर की महिलाओं की बारी आती है तो कहीं ना कहीं वही रूढ़िवादी परंपराएं या समाज का हवाला या बड़े बुजुर्गों का हवाला इस तरह की बातें करके दरकिनार हो जाते हैं। क्या लगता नहीं है कि समानता खाली बातों में नहीं व्यवहार में भी होनी चाहिए? व्यवहारिक दृष्टिकोण में कुछ बातें अलग होती है, नो डाउट आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन मेरा यूं मानना है कि ये रूढ़िवादिता तब तक है जब तक बच्ची शिक्षित नहीं है। आज एक पढ़ी लिखी लड़की है, पीएचडी वाली है, वो यदि बहू बनेगी, अगले घर जाएगी, तो नो डाउट घूंघट कम ही रखेगी, उसके मन में मान मर्यादा उतनी है जितनी घूंघट निकालने वाली है। तो ये है, ये लास्ट स्टेज मुझे लगता है, ये पीढ़ी धीरे धीरे बढ़ेगी आने वाले टाइम में। आज से 20 साल बाद देखना कि जो महिलाओं में जो एक साक्षरता को लेके, शिक्षा को लेके जो बढ़ावा होगा और जिससे जो अंधविश्वास वो कम होगा, उसके बाद घूंघट पड़ता है वो कम होगी, इस तरह से बहुत सारा चेंजेस समाज के अंदर होने वाला है। जी सर, एक बात जानना चाहूँगा जी, यहाँ पर कितने बच्चों को सम्मानित किया गया और सम्मान के तौर पर क्या क्या दिया गया उन्हें? यहाँ पे टोटल काउंटिंग तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन बच्चे और बच्चियाँ, बहुत सारे बच्चों को सम्मानित किया गया है और उनको स्कूल बैग, ट्रॉफी और अलग अलग, जैसे कि अमुक भामाशाह यहाँ आए थे, उन्होंने कैश मुद्रा भी बच्चों को प्रोत्साहन के लिए दी गई है। और हम सबका एक ही कर्तव्य है, सभी जगह जैसे भी जो बच्चे हैं वो सब शिक्षा में आगे बढ़े। और हम लोग यहाँ नहीं कि दिल्ली नहीं, मैं गुजरात में प्रॉपर रहने वाला राजस्थान से ही हूँ, पर मैं गुजरात से आया हूँ, और भी लोग गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, सब जगह से लोग आकर एक ही बात करते हैं कि भाई समाज के बच्चे शिक्षा में जितना हो सके उतने आगे बढ़े।
क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा मूल हथियार है जिससे आदमी शिक्षित होता है तो वो अपने मूल अधिकारों की जानकारी प्राप्त कर सकता है, उसको अपना जीवन जीने की प्रेरणा शिक्षित होने के बाद ही मिलती है। जब तक वो आदमी शिक्षित नहीं होगा तब तक उसको खुद के अधिकारों का ही मालूम नहीं होगा कि मेरे अधिकार क्या है, तो वो क्या जिंदगी जिएगा। तो यही हमारा सबका एक ही मोटिवेट है कि भाई जितना हो सके हमारा समाज का कोई भी बच्चा शिक्षा में पीछे ना रहे, चाहे वो गरीब हो या पैसे वाला हो या मध्यम वर्ग हो, जो भी हो, हर कोई बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो। राहुल जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, अपने जैसे युवाओं को क्या संदेश देंगे ताकि वो आपकी तरह बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर कहीं ना कहीं समाज में एक प्रगति की दिशा, एक विज्ञान की दिशा और एक शिक्षा की दिशा को सार्थक कर सके? नीलम मैम, मैं तो एक ही संदेश दूंगा, बहुत सारे युवा मुझे कहते हैं और जो युवा पढ़ रहे हैं उनके भी मैं कहना चाहूँगा, चाहे वो किसी भी गांव से हो, किसी भी क्षेत्र से, कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती मैं कर रहा हूँ। कम से कम कुछ करें ही नहीं करें, इस शिक्षा की बदौलत जो बाबा साहब ने हमें हक और अधिकार दिया, ऐसा करके कुछ दिखाए, बन के कुछ दिखाए, आने वाले टाइम में आपके माता पिता ऊपर जाएं तो गौरवान्वित महसूस करके जाए कि मेरे बेटे बेटी को मैंने सही शिक्षा दी है।